हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश और हम जानेंगे आज अंगूर की प्लांट हो सकता है क्या हमारा। तो अंगूर तो हम लोग बहुत खाते हैं, तो यहाँ 100 रुपया 150 रुपया में किलो भी बेचते हैं। तो ये जो नासिक वाला अंगूर आता है, ये हमारा जो अंगूर होता है नहीं होता, इसके लिए मैं 2-3 प्लांट ला के लगाया था। तो देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ हुआ है, 6 फुट के बाद में इसको काट दिया हूँ। और आप मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऐसे प्लांट की जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। ओके, तो ये देखिए मैं 6 फुट के ऊपर से काट दिया, 2 ब्रांचेस निकला, एक राइट एक लेफ्ट जाएगा। ये थोड़ा सख्त होना चाहिए, ये थोड़ा मजबूत होना चाहिए, इसी मजबूती ब्रांचेस को रख के बाकी वाला शाखा वाला सब काट देना चाहिए। ओके, मैं भी काट दिया हूँ। और बाकी जो बच गया था उसको मैंने पानी में 7 दिन के लिए डाला और उसका भी छोटा छोटा प्लांट बनाया हूँ। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको ये प्लांट कैसे हुआ। 7 दिन पानी में डुबाने के बाद मैं उसको ऐसे पॉलीथीन में लगाया, पॉलीथीन में देखिए लगाया, और इसमें छोटा छोटा देखिए मेरा कितना जिंदा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6, 7, 8 और 1, 9 और वहाँ भी 1, 10 10 ठो मेरा यानी अंगूर का प्लांट हो गया है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसा बड़ा वाला अंगूर प्लांट है उसको कट कर दीजिए, कट करने के बाद उसको पानी में डाल दीजिए 6-7 दिन, उसके बाद उसको लाके ऐसे पॉट में रख दीजिए। ये मौसम ठीक है, ये मौसम का जो क्या है ना, जो मौसम ये ज़्यादा धूप नहीं है और बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो इसी वजह से ये प्लांट नहीं सूखेगा, जिंदा हो जाएगा। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं, बहुत सारा अंगूर प्लांट बना सकते हैं और ऐसे पॉट में रख सकते हैं जिसके पास जगह नहीं है, ऐसे बड़ा वाला यानी कम से कम 18 इंच और 26 इंच वाला पॉट में इसको रखेंगे और थोड़ा थोड़ा खाद देंगे। हाँ, फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे तो पॉट में वो मरने का चांसेस है। मैंने भी कोशिश किया, ऐसे मेरा 1-2 पेड़ भी मर गया। तो ये ना करें, कभी भी फर्टिलाइज़र ना के ना दें। हाँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो अगर प्लांट चाहिए तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।